मैं एक सवाल चाइना पे आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने इंटरव्यू केवल कोरोना पे था, बस मैं चाइना पे एक सवाल पूछूंगा। प्रधानमंत्री जी ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें आम आदमी पार्टी को आमंत्रित नहीं किया गया था। क्या विचार है आपका चाइना को लेकर, और देश में जो इस समय जो पूरा एक जिस तरह का माहौल बन रहा है चाइना की पॉलिसी को लेकर, कहाँ मानते हैं आप केंद्र सरकार के रिस्पॉन्स को? मैंने आप ही का प्रोग्राम था या आपके चैनल पर, मैंने एक प्रोग्राम देख दो तीन प्रोग्राम देखे हैं जिसमें आप लोग बहुत विस्तार से बताते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पे चाइना ने भारत के अंदर घुस के हमारी टेरिटरी पे कब्जा कर लिया है। प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार तो कह रहे हैं कि चाइना का कोई कब्जा ही नहीं है, हमारी टेरिटरी में है ही नहीं वो लोग। पर आपका चैनल तो कह रहा है, आपका चैनल झूठ दिखा रहा है इस मतलब? हम तो वही दिखा रहे हैं जो सैटेलाइट मैप दिखा रहे हैं। तो अब फिर या तो आप जानो या वो जाने, आपका चैनल कह रहा है। मैं समझता हूँ आपका चैनल कहता है हम सबसे तेज और सच दिखाते हैं। इस CAA पर आप किस तरफ खड़े हैं? वहां तो आपने विरोध किया सदन में, संसद में, लेकिन आप किस तरफ खड़े हैं? ये क्या है ये CAB? कानून आपने विरोध किया जिसमें पड़ोसी देशों से जो शरणार्थी जो वहां धार्मिक वजहों से प्रताड़ित हैं उनको नागरिकता का रास्ता खुलेगा, इसमें कौन 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 से देश? पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है। वहां से किस किस को कह रहे हैं आएंगे लोग धार्मिक रूप से जो प्रताड़ित हैं? कौन कौन से धर्म के? वहां पे तो देश के मेजोरिटी धर्म तो इस्लाम है, तो बाकी जो धर्म है हिंदू हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं, उनको बुला रहे हैं जी। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लगभग 3 करोड़ से 4 करोड़ नॉन मुस्लिम्स रहते हैं। इनमें से अगर आधे भी हमारे देश में आ गए, इनको नौकरी कौन देगा? इनको कहां बसाओगे? इनको घर कहां से दोगे? इनको दिल्ली में बसाओगे? इनको बंबई में बसाओगे? इनको गुजरात में बसाओगे? इनको आसाम में बसाओगे? इनको त्रिपुरा में बसाओगे? कहां बसाओगे? इतने थोड़ी आज हमारे देश में हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, चारों तरफ बेरोजगारी का माहौल है। हमारा पहला मकसद तो अपने बच्चों को नौकरी देना होना चाहिए। हम उनको नौकरी देने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को और अफगानिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को नौकरी देने की चिंता कर रहे हैं, अपने बच्चों को तो नौकरी देने पहले। दूसरा, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, वहां से जो लोग आएंगे उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन बनाएगा, उनको कैसे होगा? उसी का तो रास्ता खुलेगा इस बिल, और इतने सारे नहीं आएंगे जितने आप कह रहे हैं। भारत सरकार देगी उनको डॉक्यूमेंट्स, ऐसा आप बता रहे हैं? तो जो पाकिस्तान से और बांग्लादेश से आएंगे उनके लिए भारत सरकार डॉक्यूमेंट बनाएगी, और हमारे देश में NRC होगा, NRC में जिसके डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उसका क्या होगा? वो NRC से बाहर होंगे, वो देश से बाहर होंगे। तो जो पाकिस्तान से आएंगे उनके डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार बनाएगी, जो और अपने देश के लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उनको देश से बाहर निकालेंगे। यही है, मैं समझना चाह रहा हूं, मैं भी अभी तक समझा नहीं हूं ये कानून है क्या चीज। ओके, सो द प्रॉब्लम्स ऑफ मिलियंस ऑफ हिंदूज, सिख्स, पारसीज, क्रिश्चियंस इन पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान आर ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस टू द दिल्ली चीफ मिनिस्टर, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग सर? द प्रॉब्लम्स ऑफ मिलियंस ऑफ हिंदूज, क्रिश्चियंस, पारसीज और क्या क्या, सिख्स, जैन्स एंड मुस्लिम्स लिविंग इन दिल्ली इज माई प्रॉब्लम। So let me ask you, there are sir, आपको पाकिस्तानियों की बड़ी प्रॉब्लम पड़ी है, भारत के लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, भारत के अंदर इतनी बेरोजगारी है, हिंदुओं की, क्रिश्चियंस की, पारसीज की, सिखों की, उनकी बेरोजगारी सॉल्व हो गई? आप फिर आपसे उनकी बेरोजगारी सॉल्व नहीं हो पा रही, इसलिए आपने जानबूझ के ध्यान भटकाने के लिए किया। आप फिर शाहीनबाग क्यों नहीं गए सर? क्या जरूरत है शाहीनबाग, क्या जरूरत है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप अपने चैनल के जरिए, एक मिनट, JNU के एक मिनट छात्र जाते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, आज तमाम इंटेलेक्चुअल्स जाते हैं, आप गए थे? मैं क्यों जाऊं? मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, ये नहीं जाएंगे, मेरी बात सुनिए, वी रिपोर्ट सर, वी गवर्न शाहीनबाग, वी गवर्न सर, वी हैव बीन, वी गवर्न, वी हैव बीन, वी एडमिनिस्टर, वी हैव रिपोर्टेड, वी हैव नॉट डिस्टेंस्ड आवरसेल्व्स, we are amongst Shaheenbagh, we have not distanced ourselves, humne school chalaye, humne hospital chalaye, humne sadke banwayi, humne CCTV camera lagwaye, humne jo unka jo unhone desh ke andar bawal machaya hai, Shaheenbagh nahi, unhone pure desh ke andar jo bawal khada kiya hai wo isliye khada kiya hai ki unse berozgari nahi sambhal rahi, but Shaheenbagh unke desh ke andar jo arthvyavastha ka bura haal hai
इनकी हिम्मत नहीं है अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करने की, इनकी हिम्मत नहीं है बेरोजगारी पे बात करने की। वो लोग इतने पावरफुल हैं, इनका चैनल बंद करा देंगे, इसलिए सारा दिन सुबह से शाम तक केवल और केवल हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, केवल 24 घंटे हिंदू मुसलमान करते हैं। ये देश सारे धर्मों से बना है, ये देश सारी जातियों से बना है। इस देश के लिए हर व्यक्ति अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, और जो लोग इस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। ये देश कैसे आगे बढ़ेगा? देश तब आगे बढ़ेगा जब इस देश का हर बच्चा शिक्षित होगा। ये देश तब आगे बढ़ेगा जब इस देश के अंदर स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज बनाए जाएंगे। ये देश तब आगे बढ़ेगा जब इस देश के अंदर साइंटिफिक कैंपर बढ़ाया जाएगा। ये देश तब आगे बढ़ेगा जब यहाँ पे सड़कें, नालियां, गलियां, पानी, बिजली दिया जाएगा। ये देश सीए और एनआरसी से आगे नहीं बढ़ने वाला। ये देश में सीए और एनआरसी केवल और केवल हमारे लोगों को बांटने के लिए किया गया है, लेकिन हमारे देश के लोग बहुत महान है, वो कभी भी बटने नहीं वाले, वो इनके और बीजेपी के मंसूबों के ऊपर पानी फेरेंगे। ये चर्चा मैं इसलिए करना चाहता था, इनके नंगेपन को दिखाना चाहता था, इनके खोखलेपन को दिखाना चाहता था, इनको बेनकाब करना चाहता था।